मोम्सिलो गैवरिक, यंगेस्ट सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जिनकी स्टोरी काफी अमेजिंग है। तो उनकी स्टोरी शुरुआत होती है अगस्त 1914 में, जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, और तभी कुछ ऑस्ट्रो हंगेरियन सोल्जर ने उनके घर पर अटैक किया और उनके सभी फैमिली मेंबर को मार दिया और उनका घर जला दिया। लकीली वो उस वक्त वहां नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया और सर्बिया की आर्मी ज्वाइन की। पर वहाँ के मेजर ने उनको एक सोल्जर एज अ केयर टेकर प्रोवाइड किया और उसी शाम उन्होंने अपनी यूनिट को आगाह किया कि उनको ऑस्ट्रिया हंगेरियन सोल्जर की लोकेशन पता है। इसके बाद उन्होंने उन सोल्जर पर बम्बार्डिंग की और अपना रिवेंज लिया। इसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ सर्क लड़ी एट द एज ऑफ 8। फिर उन्हें कॉर्पोरल की रैंक प्रोवाइड कर दी गई और उनको उनकी आर्मी की ड्रेस मिल गई। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट में बताना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।